मौनी चिड़िया का पिज्जा। एक बार की बात है, मौनी चिड़िया पिज्जा का टुकड़ा लेकर अपने घर आती है। वहाँ पर उसकी बेटी चीनू चिड़िया इंतजार कर रही होती है। माँ, आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। देखो बेटे, आज मैं तुम्हारे लिए एक नया भोजन लाई हूँ। चीनू चिड़िया कहती है, अरे माँ, ये तो पिज्जा है, मैंने अपने कई अमीर दोस्तों को ये खाते हुए देखा है। मेरा बहुत मन करता था माँ इसे खाने का, पर मैं कभी भी आपसे ना कह पाई, क्योंकि आप इतनी मुश्किल से भोजन तलाश करके लाते हो। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है, कहता है, क्या बात हो रही है दोनों में? आओ आओ मिट्ठू तोते, आज मुझे भोजन में देखो पिज्जा मिला। अरे वाह, ये कैसा भोजन है, लो तुम भी खाओ। तीनों वह पिज्जा खा लेते हैं। मिट्ठू तोता कहता है, इसका स्वाद तो बहुत ही अलग है और स्वादिष्ट है। हाँ माँ, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे और चाहिए। मेरी बच्ची, ये पिज्जा मैं और कहाँ से लाऊं? मिट्ठू तोता कहता है, मौनी चिड़िया, क्यों ना तुम इसे घर पर बना के देखो। लेकिन मिट्ठू तोते, ये मैं कैसे बनाऊं? इसकी सामग्री कहाँ से लाऊंगी मैं? देखो, इसमें जो सब्जियां डली हैं, वो तो हम खेत से ले आएंगे। रोटी तुम बना लेना, बस बन गया पिज्जा। वे दोनों सब्जियां ले आते हैं और मौनी चिड़िया पिज्जा बनाती है। वो पिज्जा इतना स्वादिष्ट बनता है, चीनू चिड़िया कहती है, माँ ये तो बहुत ही अच्छा बना है। मिट्ठू तोता कहता है, अरे मौनी चिड़िया, क्यों ना हम इसे बाजार में बेचें? फिर वह दोनों पिज्जा की दुकान लगाते हैं। उसकी दुकान पर बहुत से पक्षी पिज्जा खाने आते हैं। उन्हें पिज्जा बहुत अच्छा लगता है और मौनी चिड़िया का पिज्जा दूसरे जंगल के पक्षी भी खाने आते हैं। वहीं पर कालू कौवे की समोसे की दुकान होती है, जो धीरे धीरे कम चलने लगती है। रोज रोज कालू कौवे की दुकान के समोसे बिक ही नहीं रहे थे, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो मौनी चिड़िया की दुकान पे जाता है, कहता है, सुनो मौनी चिड़िया, मैं अभी आराम से कह रहा हूँ, यहाँ से अपनी दुकान बंद कर दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेरी समोसे की दुकान तेरी वजह से नहीं चल रही है। कालू कौवे, इसमें मेरी क्या गलती है? जब मेरा पिज्जा सबको स्वादिष्ट लग रहा है, तो मैं इसमें क्या करूं? मैं तो दुकान बंद नहीं करूंगी। वह कालू कौवा वहां से चला जाता है।